हेलो एवरीबडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है बेटा, वर्कशीट नंबर 30। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। कल हमने पढ़ा था इससे पहले, मतलब प्रीवियस वर्कशीट में, इन द वर्कशीट 29th, हमने सीखा था कि वैश्वीकरण होता क्या है और उदारीकरण और वैश्वीकरण का क्या लेना देना है, कैसे वैश्वीकरण से व्यापार, देशों के व्यापार में फ़र्क पड़ा है और कैसे देशों का व्यापार बढ़ गया है, कैसे विदेशी निवेश किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ी हैं। आज हम इसी चर्चा को आगे ले जाएंगे। वी विल स्टडी अबाउट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। भारत में ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या फ़र्क पड़ा है, उस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी हैज़ कम अ लॉन्ग वे। भारत में, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वैश्वीकरण है वो काफ़ी दूर तक आ चुका है, यानी काफ़ी आ चुका है। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स, बोथ लोकल एंड फॉरन प्रोड्यूसर्स, हैव बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स, पार्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शंस इन द अर्बन एरियाज। इसका मतलब ये है कि वैश्वीकरण जो हुआ है और उत्पादक, इससे स्थानीय और विदेशी दोनों तरह के उत्पादक बढ़ गए हैं। स्थानीय भी बढ़ गए क्योंकि चीज़ों की डिमांड है, विदेशी उत्पादकों से हम लोग बहुत सारा सामान लाते हैं, उनके बीच और अधिक प्रतिस्पर्धा होने से लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उपभोक्ताओं को सस्ती से सस्ती चीज़ मिल जाती है मार्केट में, और हर उत्पादक यह कोशिश करता है कि लोग उसका सामान खरीदें। और उसका सामान कब खरीदेंगे, जब हमारे पास, उपभोक्ता के पास क्या होगा, सबसे ज़्यादा, सबसे कम चीज़ में, सबसे कम पैसे में अच्छी चीज़ मिलेगी, तो उपभोक्ता उसकी तरफ जाएंगे। इन उपभोक्ताओं के सामने वह पहले से अधिक विकल्प हैं। वे अब कई उत्पादों में बेहतर गुणवत्ता और कम कीमतों का आनंद लेते हैं। दे कैन गेट बेटर प्रोडक्ट्स एट द चीपर प्राइसेस, है ना। प्रोडक्ट्स भी बेटर हो गए हैं और प्राइसेस भी कम हो गए हैं। उत्पादकों और श्रमिकों का वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन श्रमिकों का क्या प्रभाव पड़ा है, उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा है, वो इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उपभोक्ता काफ़ी खुश हुए हैं। कैसे, हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रभाव क्या हुआ, एमएनसीज के साथ क्या हुआ। उद्योगों में सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड जैसी सेवाओं में निवेश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये चीज़ें लोगों के पास बहुत ज़्यादा चाहिए आजकल। उपरोक्त उद्योगों में नई नौकरियाँ आ गई हैं। इन उद्योगों को कच्चे माल आदि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियाँ क्या हैं, स्थानीय कंपनियाँ समृद्ध हुई हैं, यानी कि जो कच्चा माल दे रही थी वो कंपनियाँ अच्छी हो गई हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है। कौन कौन से बिज़नेस की यहाँ पर बात हो रही है, देखिए कौन कौन से बिज़नेस की डिस्कशन कर रहे हैं। सेलफोन, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं आजकल। सॉफ्ट ड्रिंक्स, सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीना बड़ा पसंद करते हैं। फास्ट फूड, तो आजकल आप हर बच्चे को 5 रुपये 10 रुपये में फास्ट फूड ही खाना होता है, जबकि 5 रुपये में केला एक सेब भी आ सकता है, बट दे डोंट वॉन्ट टू ईट दैट। और बैंकिंग, क्योंकि आपके पास पैसा है इसलिए हमें बैंक्स की भी ज़रूरत है। चलिए अब भारतीय कंपनियों का, शीर्ष भारतीय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा। जो टॉप की कंपनियां थी उन्होंने नई तकनीक और उत्पादन के नए तरीके सीख लिए हैं। उन्होंने निवेश तरीकों, इन तरीकों में निवेश किया है, उत्पादन मानकों को बढ़ाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफल सहयोग प्राप्त कर लिया है। कुछ बड़ी भारतीय कंपनियां खुद बहुराष्ट्रीय बन गई हैं, यानी मल्टीनेशनल बन गई हैं, बहुत देशों में वो काम करने लगी हैं। जैसे कि किनका एग्जांपल दिया गया, देखिए टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आप सोच सकते हैं ना, जो इंडिया वर्ल्ड की जो दो सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, जो मोटर्स में, मतलब मोटर उसमें हैं, उन दोनों को ख़रीदा है टाटा मोटर्स ने। अगर आप देखेंगे, अगर आपको मोटर्स देखते हैं, आप लोग नई गाड़ियों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो यू मस्ट बी नोइंग टाटा मोटर्स बहुत बड़ी कंपनी है। इन्फोसिस आपको पता है, रेनबैक्सी आपको पता है, दवाइयों की कंपनी है। आईटी जैसे उद्योगों को सेवा प्रदान करने के नए अवसर मिले हैं, जैसे कि अभी देखिए लॉकडाउन में बहुत अच्छा अवसर मिला है, हम लोग फ़ोन से पढ़ा पा रहे हैं, ये भी एक आईटी का तरीका है बेटा। छोटे निर्माताओं पर क्या प्रभाव पड़ा, देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सेल्स अच्छी हो गई, उनके प्रोडक्ट अच्छे हो गए, कच्चे माल के, जो कच्चा माल बेच रही थी वो कंपनियां बेची हो गई। जो भारत की बड़ी कंपनियां थी उनमें भी क्या हुआ है, विदेशी कंपनियां बन गई हैं, कुछ बहुराष्ट्रीय बन गई हैं, कुछ को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन छोटे उत्पादक जो थे, तो घरों में बनाते थे, छोटे छोटे जो निर्माता थे, उनके लिए वैश्वीकरण ने कुछ चुनौतियाँ पेश की हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती और उनका खर्च ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वो कम चीज़ें बनाते हैं।
छोटे निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा के कारण कड़ी टक्कर मिली है, जैसे कि बैटरी कैपेसिटर बनाने वाले, प्लास्टिक खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद, तेल वगैरह कुछ बनाने वाली कंपनियां हैं। इनको विदेशी चीज़ें जो सस्ती मिल जाती हैं हमें, तो जो भारत के कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, जैसे कि बैटरी कैपेसिटर बनाने वाली, प्लास्टिक टॉयज, तो हम लोग सारे चाइना के खरीदते हैं। टायर भी हम बाहर की कंपनियों के खरीदते हैं, जिनके ऐड देखते हैं वही खरीदते हैं। और जो इंडिया का उत्पादक है, छोटा उत्पादक है, ना तो वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है बेटा, और ना ही वो उस लेवल पर जाकर आपके पास उस प्रोडक्ट को पहुंचा सकता है। इसमें से कई इकाइयों में श्रमिकों को रोज़गार देना बंद कर दिया है, बहुत सारी कंपनीज़ बंद हो गई हैं, क्योंकि उनके पास खुद के पास कमाई नहीं है, तो वो श्रमिकों को क्या काम देंगे। अधिकांश नियोक्ता श्रमिकों को लचीले ढंग से रोज़गार देना पसंद करते हैं, जिससे नौकरी का नुकसान होता है, यानी कि उनको कभी कभी वो लोग इम्प्लॉय करने की कोशिश करते हैं। फॉर अ लार्ज नंबर देम ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोज चैलेंजेस, यू नो चैलेंजेस की स्पेलिंग गलत है बच्चे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चैलेंजेस में CHALLE आएगा बच्चे, क्या आएगा, ई, चैलेंजेस। स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैव बीन हिट हार्ड ड्यू टू कॉम्पिटिशन, बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल्स आर सम ऑफ एग्जाम्पल्स। सेवरल ऑफ दीज यूनिट्स हैव शट डाउन, रेंडरिंग मैनी वर्कर्स जॉबलेस। मोस्ट एम्प्लॉयर्स प्रेफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबली, विच हैज़ कॉज लॉस ऑफ जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि जब उनको ज़रूरत होती है तब वो क्या करते हैं, उनको बुला लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं SEZ के बारे में, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, रिलायंस ने यहाँ पर ज़मीन ले ली, इस कंपनी ने यहाँ पर ज़मीन ले ली, आपने बहुत सुना होगा। तो वहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं, उसका मतलब क्या होता है और उसमें होता क्या है, ये देखिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं, दीज आर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती हैं। इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी कभी जाती है, ना कभी पानी बंद होता है, ना कभी रोड बंद होते हैं, रात दिन बराबर होता है काम, रात को पता नहीं चलेगा आपको ऐसा काम हो रहा है कि दिन जैसा भी काम हो रहा है। स्टोरेज होती है, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। कंपनीज हैविंग प्रोडक्शन यूनिट्स इन SEZs डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर इनिशियल 5 ईयर्स। जो कंपनी SEZ बनाती है उसको पहले 5 साल के लिए, क्योंकि SEZ एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर मान लो मेरी बहुत बड़ी कंपनी है बेटा, और मैं तुम्हारे गांव में जाकर एक SEZ खोल लेती हूँ, यहाँ पर मेरे ऑफिसेज होंगे, मेरे एम्प्लॉयज़ होंगे, वहाँ पर मेरी कंपनी के लोग काम करते होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते होंगे, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ होंगी आपके पास, आपको भी मिलेगा उसका बेनिफिट, आपको भी जॉब्स मिलेंगी। लेकिन क्या होगा, उस 5 साल के लिए जब मैं उस गांव में जाऊंगी, अलग जगह जाकर काम शुरू करूंगी, तो मेरी कंपनी को 5 साल के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इससे क्या होता है बेटा, देश में डेवलपमेंट बढ़ती है, अलग अलग जगहों पर लोग जाकर इन्वेस्ट करते हैं। लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी है, रेगुलर बेसिस में लोग हायर नहीं करते हैं, जबकि थोड़े पीरियड के लिए हायर करते हैं, फिर उनको जॉब से निकाल देते हैं। इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लेबर कम हो जाती है, कंपनी को फ़ायदा है। कंपनी को अगर 3 महीने के लिए आदमी चाहिए तो उस फाइबर की जॉब क्यों देगा। लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, वो बड़ी परेशान हैं। देखिए क्या हुआ है, विदेशी कंपनियां अब भी संतुष्ट नहीं हैं और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही हैं। वो चाहती हैं कि जितने घंटे का, मतलब अगर 5 घंटे काम करा रहे हैं तो सिर्फ 5 घंटे की सैलरी दें, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया इज़ नॉट ऐसा कंट्री कि वहाँ पर लोगों को फोर्सिबली काम कराया जाता है। तो इंडिया में लेबर लॉज को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल करना चाहती है कंपनी, क्योंकि दूसरे देशों में और भी ज़्यादा घंटे काम करते हैं लोग। इंडिया में लोग 8 ही घंटे काम करते हैं एक दिन में, जबकि बाहर के देशों में लगभग 12, 10, 12, 14 घंटे तक लगभग लोगों से काम कराया जा सकता है। इस प्रकार सभी को वैश्वीकरण से लाभ नहीं हुआ है। आपने देखा, जो छोटे उत्पादक है उसको लाभ नहीं हुआ है, जो मजदूर था उसको लाभ नहीं हुआ है। तो लाभ नहीं हुआ है, सवाल यह है कि सभी के लिए अवसर पैदा न करने के लिए वैश्वीकरण की ओर अधिक निष्पक्ष कैसे बनाया जाए और इसके लाभों को बेहतर तरीके से कैसे साझे किया जाए। इसके लिए सरकार ने नीतियों को केवल अमीर और शक्तिशाली बल्कि देश के सभी लोगों के हित के लिए रक्षा करनी चाहिए। तो हमें पता ही है कि सिर्फ किसकी रक्षा नहीं करनी, अमीर की रक्षा नहीं करनी, हमें गरीब की भी रक्षा करनी है। उदाहरण के लिए सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रम कानून ठीक से लागू हों, श्रमिकों को उनके अधिकार मिले। यदि आवश्यक हो तो सरकार व्यापार और निवेश बाधाओं का उपयोग कर सकती है। वह उचित नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन में बातचीत कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान और प्रतिनिधित्व ने व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। इसने प्रदर्शित किया है कि लोग निष्पक्ष वैश्वीकरण के संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम लोग टेक्निकली अगर बिना फेवर किए भी अगर कॉम्पीट करेंगे तो हम लोग जीत सकते हैं। वी कैन
विन, वी कैन बी अ बिग कंपनी। तो हम लोगों को वैश्वीकरण से कोई नुकसान नहीं है। वैश्वीकरण क्या होता है बच्चे? वैश्वीकरण हमेशा नए चैलेंजेस ला के देता है जिससे लोगों को फायदा होता है। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट प्रूव्ड बेनिफिशियल टू ऑल। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? गिव टू रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। दो रीजन आपको देने हैं। तो पहला रीजन देखिए, ये किसको फायदा नहीं हुआ है? जो ये आदमी था, ये छोटे निर्माता, इसको फायदा नहीं हुआ है। आप इसका एग्जाम्पल देंगे एक। दूसरा एग्जाम्पल आप देंगे मजदूर का, यहाँ पर देखिए श्रमिकों का, श्रमिकों को बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? बल्कि यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर भी लिखा है ये पॉइंट। तो आप सिर्फ यही वाला पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है? इसमें बहुत सारे पॉइंट थे और यहाँ पे श्रमिकों का भी पॉइंट है, तो यहाँ पर तीन पॉइंट्स हैं, आप दो लिख सकते हैं, ये पूरा पॉइंट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससी जेड क्या है? विदेशी कंपनियों में कैसे आकर्षित करता है आपको? अभी भी हमने पढ़ा व्हाट इज एससी जेड, और ये पूरा आप पूरा लिखिएगा। इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रमन एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में स्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। प्रतिस्पर्धा के कारण कारखाने बंद हो गए, उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। उन्होंने कंपनी द्वारा उनके पिछले वेतन से आधे पर काम पर रखा गया है, जो अस्थायी आधार पर काम अवधि के लिए लचीलेपन से श्रमिकों को काम पर रखाता है। रमन और उसके साथी कर्मचारियों को इसका क्या प्रभाव हुआ होगा? उन्हें किस तरह का नुकसान हो सकता है? देखिए बच्चे, उनको बहुत सारा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी सैलरी एक तो आधी हो गई है, जो सैलरी पे वो लोग काम कर रहे थे वो आधी हो गई है, और ऊपर से क्या हो गया बच्चे, और उनको जॉब सिक्योरिटी भी चली गई है। उनकी जो नौकरी की वो सिक्योरिटी थी कि इनकी नौकरी हमेशा रहेगी, वो भी चली गई है। अब उनको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, और उनकी तनख्वाह भी कम हो गई है। दोनों कारण लिखेंगे। निष्पक्ष वैश्वीकरण से आपका क्या प्रभाव है, क्या समझते हैं, ये आपको लिखना है। ये है निष्पक्ष वैश्वीकरण। अगर वैश्वीकरण में कोई भी इधर उधर फेरबदली ना हो, कोई चीटिंग ना करे, कोई पॉलिटिक्स ना चलाए, हर जगह जो अमीर है, अमीर देश हैं, वो दूसरे गरीब देशों को परेशान ना करें, अगर उसको अच्छी तरह वैश्वीकरण को लागू किया जाए तो सब लोगों को फ़ायदा होगा ही होगा। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।